हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन अदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दीजिए। 21 मई से 31 मई के बीच कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो देखकर आपको बहुत खुशी होने वाली है। आप लोग क्या लगातार क्वेरी पे है, आप लोग की क्वेरी थी कि मैम वापस से थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। जो सीयूईटी का सिलेबस है बीएफए कोर्स को लेके, इस सिलेबस पे कंप्लीट वीडियोस लेके आइए थ्योरी पे। तो मैं बता दूं कि मैं पूरे सिलेबस पे कंप्लीट वीडियोस लेके आने वाली हूँ। अब जो वीडियोस आएंगे आपको सिलेबस पे होंगे, सारे चैप्टर्स पे होंगे, वन बाय वन करके जितनी भी पेंटिंग्स मेंशन की गई है सिलेबस में, उन सभी पेंटिंग्स को लेके मैं बताने वाली हूँ। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो राजस्थानी शैली, क्योंकि राजस्थानी शैली इस शैली का सबसे पहला चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। पर बता दूं मैं कि जो राजस्थानी शैली जो मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, इस पर मैंने कंप्लीट बहुत अच्छे से पीडीएफ बना रखा है। और इस पीडीएफ को मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप पीडीएफ को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बता दूं कि ये पीडीएफ मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, आपको सारी चीजें इस पीडीएफ के अंदर ही मिल जाएगी। और जो आपके सिलेबस की जितनी भी पेंटिंग्स है वो सारे मेंशन तो है ही, साथ ही इसके अलावा बुक्स में बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और आपको शायद में भी पता नहीं होगा। तो उन सभी पेंटिंग्स के बारे में भी मैंने अपने पीडीएफ में सारा कुछ अच्छे से मेंशन कर रखा है। पेंटिंग दिखती कैसी, कब बनाई गई, कहाँ रखी गई, इसके बारे में विवरण सब कुछ मैंने अच्छे से मेंशन करके रखा है। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीडीएफ को आपको बाय करना है और डाउनलोड करना, और आप आराम से उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राजस्थानी शैली से। और वीडियो पे नए हैं तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ यूनिट 1 द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग ए फोलियो फ्रॉम रामायण ऑफ शहाबुद्दीन मेवाड़। बता दूं कि इस चैप्टर का ये पहला पेंटिंग है जो शहाबुद्दीन द्वारा बनाया गया है और मेवाड़ शैली का पेंटिंग है। राजस्थानी शैली की जो उप शैली है मेवाड़ शैली, उसकी ये पेंटिंग है और इसे रखा गया है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। ठीक है, रामन का युद्धकांड पेंटिंग का नाम है। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और ये जो पेंटिंग्स बनी हुई है और इसके बारे में विवरण नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए विवरण पढ़ते हैं। तो विवरण में लिखा हुआ है कि राजा जगत सिंह, जिसका शासन काल है 1628 से 52, मतलब 1628 से 1652 तक इन्होंने शासन किया है। शासन काल के चित्रों में परिष्कर आया, मतलब परिसर का मतलब है कि चित्र बहुत अच्छे बनने लगे। यह परिष्कर प्रतिभा संपन्न कलाकारों शहाबुद्दीन और मनोहर के कारण आया था, क्योंकि शहाबुद्दीन और मनोहर जो है वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। तो इन आर्टिस्ट के कारण ही चित्र बहुत ज़्यादा अच्छे बनने लगे, जिन्होंने चित्रकला को जीवंतता प्रदान की और मेवाड़ चित्रकला की परिभाषा गढ़ी। शहाबुद्दीन ने रागमाला 1628, रसिक प्रिय व भागवत पुराण 1648 और रामायण का युद्धकांड 1652 का चित्रण किया। कह रहा है कि जो रागमाला है, रागमाला बता दूँ ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जो एक पेंटिंग उन्होंने बनाई है 1628 में, वैसी रसिक प्रिय और भागवत पुराण भी ग्रंथ है, इसकी उन्होंने पेंटिंग बनाई है 1648 में, वैसी रामायण का युद्धकांड है, इसकी भी पेंटिंग उन्होंने बनाई है 1652 में। इसके पृष्ठ का विवरण यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें से एक पेंटिंग जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रामायण का युद्धकांड जो कि 1652 में बना है। विलक्षण एवं दक्ष चित्रकार शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित रामायण युद्धकांड का एक अध्याय है। बता दूं कि विलक्षण एवं दक्ष चित्रकार का मतलब होता है कि कुशल चित्रकार को बोला जा रहा है जो पूरी तरह निपुण है, और शहाबुद्दीन तो भाई फेमस आर्टिस्ट थे तो ये पूरी तरह निपुण थे। ठीक है, तो इनका एक युद्धकांड का अध्याय यहाँ पे दिखाया गया है। यह सामान्यतः 1652 ईस्वी तक जगत सिंह रामायण के नाम से जानी जाती रही है। इस चित्र में शहाबुद्दीन ने एक नवीन चित्रमय युक्ति संयोजन तिरतक रेखीय परिपेक्ष को प्रस्तुत किया है। कह रहा है कि चित्र में जो है ये चित्र 3D में बनाई गई है, तिरतक परिपेक्ष मतलब 3D परस्पेक्टिव में बनाई गई है, जिसका प्रयोग उन्होंने युद्ध की विभीषिका को दिखाने के लिए किया गया है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि युद्ध का जो पूरा सीन है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया इस पेंटिंग में। अनेक वर्णात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हुए, वर्णात्मक मतलब वर्ण मतलब कलर होता है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के तकनीकों का प्रयोग करते हुए कलाकार ने कभी एक से अधिक कथाओं को एक ही पृष्ठ पर चित्र के रूप में या कथा के अलग अलग पृष्ठों को अंकित किया है। मतलब कह रहा है कि एक ही पृष्ठ मतलब एक ही सतह पे कथाओं को भी अंकित किया है और पेंटिंग को बनाया है। इस चित्र में युद्ध के समय प्रयुक्त इंद्रजीत के मायावी युद्ध कौशल एवं जादुई हथियारों को भी चित्रित किया गया है। तो ये रही पहली पेंटिंग। उसी तरह नीचे दूसरी पेंटिंग दी हुई है, बहुत सारी पेंटिंग लगातार आपको पढ़ने को मिलेगी।
नेक्स्ट पेंटिंग है राधा बनी ठनी, किशनगढ़ सेली की ये पेंटिंग है जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है। चित्र का नाम है राधा बनी ठनी और चित्रकार का नाम है निहाल चंद। निहाल चंद ने इस पेंटिंग को बनाया है। माध्यम है कागज पर जल रंग, कागज पर बना है, वाटर कलर से बना है। टेक्निक है टेम्परा, टेम्परा टेक्निक से ये पेंटिंग बनाई गई जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल सेली में स्टार्ट की थी। समय है 1760 में ये पेंटिंग बनी। उपशैली है किशनगढ़ सेली और संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये पेंटिंग रखी गई है। अब इस पेंटिंग का विवरण पढ़ते हैं कि किशनगढ़ को राधा बनी ठनी राजस्थानी शैली का सबसे प्रसिद्ध लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग है। 1760 में इसे निहाल चंद नामक चितेरे ने बड़ी खूबसूरती से बनाया था। चितेरे का मतलब होता है चित्रकार। किशनगढ़ को राधा से अभिभूत भारत सरकार ने इस लघु चित्र पर एक डाक टिकट भी जारी किया था क्योंकि ये पेंटिंग बहुत फेमस थी। इस चित्र में राधा की मुस्कुराहट रहस्यमयी है तथा आंखों में स्त्रियोचित सुंदरता देखने को मिलती है। स्त्रियोचित मतलब जो स्त्री में सुंदरता है वो सुंदरता इस पेंटिंग में देखने को मिलती है। इस कलात्मक चित्रण में राधा का चेहरा लंबा दिखाया गया है, ललाट मतलब फोरहेड होता है, उपयुक्त गोलाई लिए हुए है, नाक लंबा तीखी आंख व नुखीली है, भौरे मतलब जो आईब्रो है वो धनुषाकार का है, होठ पतले वो लाल है। इस चित्र में राधा के काले घुंघरीले बाल कमर तक लटके हुए हैं। राधा के बाएं हाथ में फूलों की दो कलियां बड़ी कोमलता से पकड़ी हुई है, दाहिने हाथ में पारदर्शी स्वर्णजित किनारे वाली ओढ़नी योचित अजा के साथ पकड़े हुए दर्शाया गया है। वस्त्र एवं आभूषण राजपूत परंपरा के अनुसार चित्रित किए गए हैं। राधा की ओढ़नी सोच समझकर पारदर्शी बनाई गई है ताकि पहने हुए गहने वस्त्र अंगों की मोहकता उसमें झलक सके। भूमि को गहरे नीले रंग के विभिन्न अभाव के साथ दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने राजस्थानी शैली से कुछ पेंटिंग्स बताई है आपको। अगर आपको राजस्थानी शैली की पूरी पेंटिंग्स पढ़नी है, इस चैप्टर की सारी पेंटिंग्स पढ़नी है जो सिलेबस में मेंशन है, तो सिंपल आपको करना क्या है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैप्शन लिखा है द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थानी शैली, उसके नीचे मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। मैं फिर से कह रही हूँ कि पीडीएफ मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत मेहनत करा है इसमें और सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने मेंशन करके रखी है। सिर्फ सिलेबस की चीजें नहीं बताई, मैंने एक्स्ट्रा भी बहुत सारी पेंटिंग्स पढ़ाई है इसमें। तो फटाफट देर क्यों कर रहे, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि पीडीएफ पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो कैसा लगा और नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा। और साथ ही आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पे भी अपनी क्वारी मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टा कॉलिंग के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।